स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किए थे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन है उसके कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, उनके बिहार पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, जो जी की वैल्यू की वेरिएशन है उससे बेस फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम हमारी वी हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन देखें एक बार क्या कह रहे हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पे, ये हमने अर्थ कंसिडर की, अर्थ के सरफेस पे किसी हाइट पर, ये हमने एच हाइट कंसीडर की, इस पर जी की कोई ना कोई वैल्यू है, जी एच से दिस इज जी एच। अब इस पर जी की एच की वैल्यू, अब बॉडी को लेके जाते हैं डेप्थ में, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डी डेप्थ पर चले गए, ये अर्थ का सेंटर हो जाता है, जहां तक डी डेप्थ पर चले गए तो इस डी डेप्थ पर जी की वैल्यू क्या है, जी डी। ठीक है, तो अब इसमें गिवन क्या है कि जो हाइट है वो 1 किलोमीटर अबव है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमने बताना है कि किस डेप्थ के ऊपर डी की वैल्यू क्या होगी जो एच से लिंक होगी, जिस पर जी की वैल्यू एच हाइट पर और डेप्थ पर दोनों पर क्या हो, हाइट एच पर और डेप्थ पर क्या हो, सेम हो, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, जी की बात करते हैं, जी का फॉर्मूला जो होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हाइट एच के साथ, अगर बोलें तो जी एच फॉर्मूला क्या था हाइट पर, ये रिजल्ट था हमारे पास जी इंटू 1 माइनस 2h/r रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर डेप्थ पर बात करते हैं तो जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू क्या था, जी इंटू 1 माइनस d/r। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो जी एच है वो इक्वल है किसके, जी डी के। तो सोल्व करते हैं, दोनों वैल्यू को इक्वली सोल्व करेंगे तो जी इंटू 1 माइनस 2h डिविजन में जाए आर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस d/r। जी ने जी को कैंसिल आउट किया। ठीक है, अब सिंपली फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा हमारे पास 2h/r इज इक्वल टू d/r, आर ने आर को काटा तो डेप्थ डी, डेप्थ डी क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ h। तो अब ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है जो आंसर देगा। देखिए डेप्थ की अगर बात करते हैं तो डेप्थ किसके इक्वल होगी, 2 टाइम्स ऑफ h, बट h की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, h, h की वैल्यू 1 किलोमीटर है, देन d की वैल्यू क्या होगी, 2 किलोमीटर। इट मीन्स द आंसर c विल बी करेक्ट। सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बात करते हैं, देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट है ठीक है वो कितना हो जाता है, 1/16 टाइम हो जाता है, 1/16 टाइम हो जाता है जो भी बॉडी का वेट होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो भी बॉडी का वेट है, मान लिया वी एच अर्थ के सरफेस पे है और वी एच जो है हाइट पर है, तो वेट एट हाइट एच इज इक्वल टू 1/16 टाइम ऑफ वेट एट द सरफेस, देन देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू हाइट, हाइट इज, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाइट क्या होगी जो रेडियस के साथ जुड़ी होगी, रेडियस के साथ उसका लिंक क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन पे बात करते हैं, मान लिया एच हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जिस पर जाकर वेट जो है 1/16 टाइम हो जाता है, किसकी इक्वल हो जाता है, 1/16 टाइम हो जाता है वेट एट द सरफेस। अब वेट की अगर बात करें तो हमने वेट इज अ फोर्स, तो अगर वेट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या आता है mg, इस फॉर्मूले का यूज करें साइड में क्या आएगा रिजल्ट, हाइट पर है तो जी की वैल्यू वेरी करेगी mg' 1/16 एज इट इज इनटू में WS यूज करेंगे, WS यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा mg, सरफेस पर ये होगा, m से m कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो g' इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ g। ठीक है, एज वी नो एट द हाइट h g' इज इक्वल टू व्हाट, g r² r + h राइज टू पावर 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहता है, आर कॉमन लेंगे स्क्वेयर कैंसिल आउट, तो रहा रिजल्ट जी डिवीजन में जाए 1 + h/r राइज टू पावर 2। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि h को स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कि उसकी वैल्यू मच लार्जर है r के कंपेरेटिव। ठीक है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ वैल्यू यूज करते हैं जी डैश के साथ, जी का रिलेशन जो होगा जी डैश इज इक्वल टू व्हाट, 1/16 टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 + h/r राइज टू पावर 2। जी से जी कैंसिल आउट हो गया,
उसके बाद अगर बात करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर शिफ्ट करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं दोनों तरफ, स्केयर रूट दोनों तरफ लेने पर फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू व्हाट, एच इज इक्वल टू थ्राइस टाइम्स ऑफ आर. तो दिस विल बी द आंसर. इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. यस, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड पे बात करते हैं. जीवन क्या है थर्ड न्यूमेरिकल में? इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज श्रिंक, अर्थ जो है उसका रेडियस श्रिंक हो जाता है बाई 2%, अर्थ जो है श्रिंक हो जाती है बाई 2%, देन मास रिमेन सेम. वो इस तरीके से श्रिंक होती है कि उसका मास वेरी नहीं करता, मास विल रिमेन सेम. देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी चेंज, जी की वैल्यू जो है वो कैसे चेंज होती है, मतलब कितने परसेंट जो उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज होगी में भी डिक्रीज होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सोल्यूशन में बात करते हैं. ठीक, हमने अर्थ कंसिडर की. ठीक है, अर्थ जिसका रेडियस आर, मास एम, देन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अब जैसे रेडियस में वेरिएशन होती है तो उसके साथ जी की वैल्यू वेरी करेगी, जी की वैल्यू आर के साथ वेरी करेगी, तो जी का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर. तो डेरिवेटिव करेंगे तो डी जी डिविजन में जाए डी आर, तो रिजल्ट रहेगा जी एम इज कॉन्स्टेंट. वी हैव टू डिफ्रेंशिएट डी आर की फॉर्म में, डेरिवेटिव करना है किसका हमने, आर स्क्वेयर का, सॉरी 1/r² का. ठीक है, फंक्शन गिवन है वाई जो है गिवन है 1/x², हमने वाई का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा. ठीक है, इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं, एक्स टू पावर माइनस टू को डिफ्रेंशिएट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जैसे डेरिवेटिव में क्या होगा, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी माइनस टू, जितनी पावर उसमें से एक डिक्रीज होगी, तो एक्स टू पावर माइनस थ्री. तो हमारे पास डेरिवेटिव बन के क्या आ गया, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स पावर माइनस थ्री, नीचे शिफ्ट होगा तो एक्स टू पावर थ्री हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स. तो मीन्स जो डेरिवेटिव हमने यूज कर रहे हैं माइनस टू एक्स राइज टू पावर थ्री, ये डेरिवेटिव आएगा. ठीक है, तो अब ये डेरिवेटिव जो है अभी हमने किया, सोल्व करते हैं आर के लिए, सोल्व करते हैं. देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो जी एम कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, आर की पावर ऊपर शिफ्ट माइनस टू, माइनस टू जो है ऊपर शिफ्ट होती है, ऊपर डेरिवेटिव में आगे चली जाती है पावर, जितनी पावर थी उसमें से घट जाएगा, तो पावर माइनस थ्री होगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, किसकी फॉर्म में, आर की क्यूब की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ से डी जी का रिजल्ट क्या आ गया, माइनस टू टाइम्स ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर राइज टू पावर थ्री, और साथ में क्या आ गया डी आर, इस साइड शिफ्ट कर दिया हमने ये. ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास. अब से दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, नाउ फॉर द परसेंटेज और फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर. ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आता है परसेंटेज की फॉर्म में. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, कि जो वेरिएशन है डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर वो क्या है, 2%, और अर्थ क्या हो रही है, श्रिंक. तो इसका मतलब डी आर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, माइनस 2/100. ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आर डिवाइडेड बाय आर. अब ये वाली वैल्यू यार रिप्लेस करते हैं, ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज जो एरर आएगा डी जी डिवाइडेड बाय जी, परसेंटेज में चेंज हो गया ना, रिजल्ट आया परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 × में माइनस ऑफ 2/100. परसेंटेज के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया किसे, 100 से. अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 100 ने 100 को काटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4%. हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, 4%. मतलब अगर अर्थ अपने रेडियस को क्या करती है, 2% डिक्रीज करती है, तो उसकी जी की वैल्यू में कितने परसेंट इंक्रीज होगा, 4%. वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, तो इंक्रीज होगा. यस, न्यूमेरिकल नंबर फोर पे बात करते हैं. क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर इंक्रीज बाय द फैक्टर 2, रेडियस ऑफ अर्थ क्या कर दिया जाता है, बाय 2 फैक्टर इंक्रीज कर दिया जाए, व्हाट फैक्टर, कितने फैक्टर से, वुड इट्स डेंसिटी विल बी चेंजेस, उसकी डेंसिटी किस फैक्टर से चेंज हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी, कीपिंग द वैल्यू ऑफ जी सेम, ताकि जी की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे. ठीक है, एज वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें डेंसिटी के साथ इसको रिलेट करना है. ठीक है, ये अर्थ है,
डेंसिटी अगर आप रो कंसीडर करें, मास एम कंसीडर करें, रेडियस आर कंसीडर करें, अगर मैं इसकी क्या करना चाहता हूँ, एम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो एम कैसे आएगा, जैसे हम डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ से मुझे मास चाहिए तो मास आएगा क्या, डेंसिटी दैट इज रो, अर्थ की डेंसिटी रो। अब वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर कंसीडर करते हैं, 4/3 पाई आर की पावर 3, ठीक है, तो ये एम की वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट रहेगा 4/3 पाई जी, जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर की सिंगल पावर रहती है आर और रो। अब देखिए वेरिएशन किस में है, आर और रो की वैल्यू में है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है। अगर हम कहते हैं एज पर क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उसका रेडियस जो है बाई 2 फैक्टर इंक्रीज कर दिया गया, रेडियस में वेरिएशन 2 फैक्टर है, हमें डेंसिटी रो में कितनी वेरिएशन आती है ये बतानी है, ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट भी बता सकते हैं वैसे, ठीक है, जैसे इसको अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, बाकी आंसर जी की वैल्यू सेम रहे तो रो क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम आ जाएगा, ये आंसर सेम रहे तो रो को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। देखें एक बार, अगर हम बात करते हैं जी डैश की, जी डैश कैसे चेंज होगी, 4/3 पाई जी, रेडियस चेंज हो गया ना 2r, तो इस केस में डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, फिर रो डैश, बट जी की वैल्यू जो है गिवन है क्या, दोनों सेम होनी चाहिए जी जी डैश, ठीक है, तो अगर यहाँ से देखते हैं इन रिजल्टों को कंपेयर करते हैं, यहाँ से और यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं रिजल्ट, 4πg से 4πg कैंसिल हो जाता है, r से r कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास डेंसिटी रो डैश की वैल्यू क्या आएगी, रो डैश की वैल्यू आएगी जो पहले डेंसिटी थी उसकी क्या हो गई, हाफ टाइम्स हो गई, दिस विल बी द आंसर।